हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वहीं से ही मतलब दूसरा ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि वो ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, क्योंकि मूवी मैंने आपको बताया था, मूवी देखने गए थे हम, फाइटर मूवी। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए बार्बी नेशन, क्योंकि ये यहीं पर ही है, जेट स्क्वायर मॉल में ही बार्बी नेशन है। तो हम आ चुके हैं, तो हमारे लिए आया फ्रेंड्स ये ग्रिल वाला, ये पनीर है, ये है पाइनएप्पल, ये है मशरूम और ये है पनीर। और कभी को फ्रेंच फ्राइज पहले मिल चुके हैं, इन्होंने चटनी भी रखी है। और तय है अभी क्या क्या आना बाकी है, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। जैसे जैसे आता रहेगा फ्रेंड्स, बार्बीक्यू नेशन में 750 कितने तो पर पर्सन फ्रेंड्स, 750 या 730 ऐसी है पर पर्सन आप से मिलता है यहाँ पे। मतलब अनलिमिटेड होता है, मतलब कुछ भी खा सकते हैं आप, उसमें स्नैक्स भी होते हैं और खाना भी होता है आपका, डिनर भी होता है, और फिर मतलब जैसे जूस वगैरह भी होते हैं, वो फ्री डिलीवरी होते हैं, मतलब फ्री में मिलते हैं जूस वगैरह। और फिर फ्रेंड्स और खाना वगैरह होता है, फ्रूट डिश में भी होता है, आइसक्रीम वगैरह भी होती है। तो अभी जैसे जैसे हम खाते जाएंगे, ऐसे ऐसे मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी यहाँ ट्राई करने के लिए एक पाइनएप्पल पीस लिया, क्योंकि मैं कभी हम लेते नहीं हैं, तो मैं इसको ट्राई करती हूँ कैसा लगता है ये। तो फ्रेंड्स, ये स्पाइसी भी है, मीठा भी है, थोड़ा नमकीन भी है, स्पाइसी है। तो कबीर खा रहा है यहाँ पर पनीर। तो कबीर, पनीर कैसा है, आपने थोड़ा टेस्ट किया था? बहुत स्पाइसी है पनीर। फ्रेंड्स, अब आ चुका है यहाँ पर आलू पापड़ी चाट, और ये मैंने दही वाली वो जो चटनी थी वो ले ली है। और ये आ चुका है कबाब है ये फ्रेंड्स, मैं आप उसको कट करके दिखा देती हूँ कि ये अंदर से क्या आलू का है, किस चीज़ का है। बहुत ईजली कट हो जा रहा है फ्रेंड्स, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आलू वगैरह की स्टफिंग है फ्रेंड्स इसमें, क्लियर दिख, इसमें ना आलू की स्टफिंग है। ये देखिए मिर्च है थोड़ी, बहुत ही स्पाइसी होगा, तो आप जो स्पाइसी पसंद करते हैं फ्रेंड, वो बहुत ही उसको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पर। तो और देखते हैं अभी क्या आता है। तो फ्रेंड्स, ये मैं पनीर टेस्ट करके बताती हूँ आपको। मैंने दही में इसमें डिप कर लिया है, ये ठीक ठीक है फ्रेंड, मतलब ज़्यादा मिर्ची भी, स्पाइसी भी नहीं है, और ज़्यादा ऐसा फीका फीका भी नहीं है। अगर आप दही वाली चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही बेस्ट लगने वाला है। कबीर के लिए, कबीर को सब चीज़ में लग रही है मिर्च, क्योंकि फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये दो इन्होंने जूस मतलब बिल्कुल मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये है लेमन, ये है स्प्राइट, और वो है लीची वाला, ब्लू मोजिटो वाला जूस है फ्रेंड्स। तो कैसा हो रहा है, अच्छा है, ये वाला मैं ट्राई करके देखती हूँ। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, मगर बहुत ठंडा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बर्फ भी डली हुई है, और वैसे ही बहुत ही ठंडा हो रखा है फ्रेंड्स। तो इन्होंने बदल लिया है फ्रेंड्स, इसमें पुदीना वगैरह डाला हुआ है फ्रेंड्स इन्होंने, वो बर्फ तो आपको दिख ही रही होगी। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं एक सेकेंड, ठीक है। बहुत ही खट्टा है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स आ चुके हैं क्रिस्पी कॉर्न, ये भी आप चटनी के साथ और डिप करके खा सकते हैं। ये वाली जो कॉर्न है, मैंने मेरी जो वीडियो है ना खाना संडे की वीडियो, उसमें भी लिंक पे आप जा सकते हैं, खाना संडे मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाए थे। तो आप फिर इसको भी मैं टेस्ट करके देखती हूँ। ये भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रखे, बच्चे कॉर्न खाना पसंद करता है, तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, कभी जब फ्रेंच फ्राइज हो गए थे ठंडे, तो मैंने इसमें ऐसे फिल कर दिया इनको, अब ये थोड़े गर्म हो जाएंगे, अभी गर्म होने दो, थोड़ा सा ब्राउन होने दो, फिर खाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हमारे गोलगप्पे, जो भी हमारे बहुत ही फेवरेट होते हैं हर गर्ल्स के, सबके हर लेडीज़ के फेवरेट गोलगप्पे। कभी खा रहा है ऐसे ही, कभी पानी के साथ ही खाता है। आप ले लो गोलगप्पे। ये है फ्रेंड्स सैलेड, वहाँ पर आप मैंने खाई की प्लेट्स वगैरह रखी है, यहाँ पर सारा फूड है, जब हम ले लेंगे ना तब बता। यहाँ पे आ चुकी है हमारी चपाती, प्लेन चपाती मंगाई थी। ये भी ये आ चुकी है हमारी दाल मखनी, ये मिक्स सब्जी है, और ये पापड़ है, और ये वेज बिरयानी है, सैलेड है, साग है फ्रेंड, बहुत सारी वेराइटीज़ थी। और ये है मंचूरियन और नूडल्स, बहुत सारा मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। थोड़ी अभी तो आधी रह गई है, अभी हम मतलब मीठे में भी बहुत सारी वैरायटी है।
और सैलड में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं फ्रेंड्स, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले हम थोड़ा सा डिनर कर लेते हैं, उसके बाद। तो फ्रेंड्स अब आ चुकी है हमारी पापड़ी चाट, उसमें दही डली है, प्याज डला है, पापड़ी होती है ना मटरी, मट्टी होती है ना, ऊपर से सेव चटनी, और अब इसमें थोड़ी सी अपनी दही वाली चटनी भी ऐड कर लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होती है, बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड। वैसे तो हमारा खाना चल रहा था बट फिर भी भैया ले आए। तो अब हमारा लंच हो चुका है फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं स्वीट डिश लेने। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि स्वीट डिश में क्या क्या है। मैंने यहाँ पर एक प्लेट और छोटी सी कटोरी, इसमें है गुलाब जामुन हलवा, इसमें है खीर और चॉकलेट। फ्रेंड्स ये है कुछ पेस्ट्रीज, ये भी पेस्ट्री है, ये भी, ये कुछ बर्फी टाइप है फ्रेंड्स, ये पपीता, तरबूज, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। तो वेज में फ्रेंड्स इन्होंने लगा रखी है सोया कॉर्न बिरयानी, ये अच्छी है, और ये है पनीर टिक्का बिरयानी, ये एग है, ये जो नॉन वेज है फ्रेंड्स और नॉन वेज खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं लेके आई हूँ यहाँ पर चार ये गुलाब जामुन छोटे छोटे हैं, और ये पेस्ट्री, और ये मूंग की दाल का हलवा। आप क्या खाना पसंद करोगे? और फ्रेंड्स यहाँ पर आइसक्रीम भी है, तो मैं आपको अभी वो भी दिखाऊँगी। कब तो मैं फिर टेस्ट करके दिखाती हूँ आपको, तो खुद ही देख सकती हूँ। तो ये लिया है मैंने मूंग की दाल का हलवा, देखिए कैसा है ये फ्रेंड। बहुत ही लाइट मीठा है, जैसे कि काफ़ी लोग बहुत लाइट मीठा खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही रसगुल्ले बहुत ही स्मूथ से कट हो जा रहे हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी करा मैं कभी। तो फ्रेंड्स आइसक्रीम में है पान वाली, वनीला, ऑरेंज, ये रोज़ वाली, और ये पान वगैरह भी डाल के देते हैं फ्रेंड्स, तो मैं भी बनवाती हूँ। तो ये भैया बनाएंगे, इन्होंने प्लेट में रख ली है आइसक्रीम, ये अभी चाकू ढूंढ रहे हैं फ्रेंड्स। क्या है भैया नाइफ, अब देखते हैं क्या क्या काट करते हैं। बहुत ही टेस्टी सी बना के देते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें डालेंगे, अब देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ जी एक और कर दी, हमने दो आइसक्रीम इकट्ठी कट करवा लिए फ्रेंड्स एक ही में। अब इसमें डालेगा ये पान वाला जो गुलकंद होता है वो, ये देखिए कितनी यम्मी सी टेस्टी सी रसमिस्सी सी बन जाएगी हमारी आइसक्रीम, पान आइसक्रीम। इसमें डालेंगे थोड़ी सी सॉफ्ट स्प्रिंकल्स डाल देंगे, और अब हमने रेडी है पान वाली आइसक्रीम, अब हम इसको एंजॉय करते हैं। ये देखिए फ्रेंड बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल ही ऐसे रसीली, बहुत ही टेस्टी है। इसका सबसे टेस्ट क्या है, गुलकंद जो होता है इसमें पानी में मेन। तो फ्रेंड्स हमारा लंच हो चुका है, और हमने मीठा भी खा लिया है, खट्टा भी खा लिया, सब कुछ खा लिया। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।